मजबूरी किसे कहते बताओ, मजबूरी किसे कहते? अरे यार बताओगे, बताओ मजबूरी किसे कहते हैं? अरे मजबूरी यार। अभी रन ले लिया कि नहीं? रन नहीं लिया अभी, कुलमजन नहीं करेंगे, मैच देखेंगे, मैच के आगे कुछ नहीं भाई, मैच आ रहा है बहुत तगड़ा वाला, फंसा हुआ है मैच और बिल्कुल अभी रनआउट से देखो बचा है, बिल्कुल अभी दौड़ा दिया था। रनआउट मत करो भैया, रनआउट मत करो यार, आखिरी दिन है और भैया इंडिया को इंडिया जीत सकता है, पूरे चांसेस हैं, और यार अगर इंडिया जीत जाता है ना तो इतना बड़ा एक वो बन जाएगा। मैं सुबह 5:15 से कंटिन्यू मैच देख रहा हूँ, सुबह 5:15 से कंटिन्यू देख रहा हूँ, अभी काम पे भी जाना है, लेकिन भाई मैच नहीं छोड़ सकता हूँ, मैच इस कंडीशन में फंसा हुआ है, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा, पूरा इंडिया देख रहा है ये मैच, क्योंकि अभी चाहिए 40 ओवर का गेम बचा, 153 रन चाहिए, 175 रन पे 3 विकेट है। ओ फिर दीवाल यार, आज तो भाई पुजारा को मान गए हम सब, आज पुजारा जो है ना, पुजारा ने आज दिखा दी कि भाई दीवाल अंबुजा सीमेंट से भी अगर कोई दीवाल है तो पुजारा की है भाई, आउट ही नहीं और हेड पे यहाँ बॉल पड़ रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग का पुजारा का खेल आज का कैसा लगा, बताना जरूर यार। बहुत बड़ा दुख हो गया, एक रन, 115 रन चाहिए, 27 ओवर बचे हुए हैं, मैच 3 विकेट गिरे, मैच बिल्कुल इंडिया के हाथ में, लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है सेंटर यार, एग्जाम्स हैं अब कंटिन्यू आगे, तो इसकी वजह से काम भी जरूरी है और यार मैच बहुत जरूरी है। आप इसमें ज़्यादा ब्राइट आ रहा शायद, देखो भाई हमारा, देखो मैच 115 रन चाहिए, एक बॉल आपको दिखा दें, देखो भाई इस बॉल पे चौका छक्का आ जाए, उम्मीद है जय श्री राम। नहीं आया, कोई बात नहीं, ये सब बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। चलो चलते हैं वहां पे और वहां पे लाइव देखेंगे, वहां का तो वाईफाई 100 MB/s वाली स्पीड देता है, क्योंकि अभी जा रहे हैं शायद, क्योंकि हम लोग का काम ऐसा है ना, ये बेसबॉल और वो रही को जिसमें बास्केट, वो बास्केट और ये बॉल, देख तो एक बार पहुंचा पाऊंगा नहीं इतनी दूर से, 1-2 लेफ्ट हैंड से मारे, हटना, ओ ये देखो भाई कर दिया आपने, तो तुम भी फेंको इसमें, देखो डाल पाओगे कि नहीं, डालो उठा के डालो इसमें, ट्राई करो। अच्छा किच्छी दे, तुम जा रहे हैं, अरे बाय बाय करो, बाय कहते हैं गेम, इसे कहते हैं गेम। आज हुआ है ऑस्ट्रेलिया को, आज रियलिटी दिखाई है, कसम से इतनी तेज गुस्सा उस हेजलवुड के ऊपर आ रही थी, पुजारा कुछ बोल भी नहीं रहा था फिर भी उसे फ्रस्ट्रेशन में लड़ रहा था। इंडिया ने आज दिखा दिया, विदेश सरजमी पे जाके लगातार दूसरी बार इंडिया ने सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया से, और उसी के घर में, मजा तो तब आता ना भाई जब उसी के घर में जाके उसको हराओ और सामने वाला चिढ़ने वाला हो, बेईमान हो ना, जो बेईमान को जब हराते हो ना पूरी दुनिया के सामने, तो भाई क्या मज़ा आता है। आज वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए होंगे, इतना तो मुझे पता है। क्या मैच यार, पंत तो है, देखो जो क्रिकेटर वही होता है, रियल क्रिकेटर वही होता है जो प्रेशर में अच्छा खेलता है, पंत ने अच्छा खेला, पुजारा तो भाई इंडिया की, मैं तो राहुल द्रविड़ से भी बड़ी वॉल कहूँगा, वो तो बंदा, वो तो शरीर पे ले लेता है, द्रविड़ लोग तो, एक बार द्रविड़ ने भी जबड़े पे लिया था, आप लोगों को मैच याद हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वो किसके अगेंस्ट मैच था, मुझे नहीं पता है, लेकिन द्रविड़ के जबड़े पर गेंद लगी थी तो वो जबड़ा पूरा ब्लड ब्लड आ गया था, तो वो पूरा बांध के आया था मैच खेलने। लेकिन भाई आज का मैच, मेरे हिसाब से यार मैन ऑफ द सीरीज जो है वो यार पंत को मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने जिस सिचुएशन में रन बनाया उसने ना, वो सिचुएशन में रन बनाने लायक नहीं था, वो सिचुएशन में कोई रन नहीं बना पाता जिस सिचुएशन में उस बंदे ने रन बनाए, क्योंकि उसको भी हौसला यार, अब जीतती सीरीज है इंडिया ने, ठीक है, और मैन ऑफ द सीरीज आप दे रहे हो पंत उसको, पैट कमिंस को, तो ये गलत है। और अभी मैं ऊपर आया हूँ इसलिए कि सबसे ऊपर टेरिस्ट पे हूँ, यहाँ से नीचे का नज़ारा जो है ना बहुत नीचे है, वो देखो बहुत नीचे है, JCB जो है एकदम, ये देखो मैंने JCB को पकड़ लिया, मैंने JCB को, ये देखो भाई वाह, लग रहा है कि हाँ मैंने पकड़ लिया, अरे वाह भाई JCB की खुदाई, मज़ा आ गया। और नीचे चल रहा है काम, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स हैं आगे, तो इसकी वजह से ऊपर हूँ, क्योंकि नीचे काम चल रहा है, तो और वीडियो बनाने का भी मन था, आप लोगों को अपडेट करने का मन था, बहुत ज़्यादा आत्मा हो गई है खुश। भारत माता की जय। और अभी मिलता हूँ एग्ज़ाम्स के, जो मॉक चल रहा है, टेस्ट चल रहे हैं कुछ, प्रिपरेशन चल रही, प्रिपरेशन हो जाती है फिर आपसे मिलते हैं। एक चीज़ देखिए, अभी मैं ये कर रहा था, ऐसे चेक कर रहा था कि मैंने ये देखो पकड़ लिया, ठीक है,
ये लग रहा है कि मैंने रियलिटी में पकड़ा है, देखो लग नहीं रहा है ऐसा कि जेसीबी खड़ी हुई है, यहाँ से मैं ऐसे पकड़ा हूँ लग रहा है रियलिटी में पकड़ा हुआ है। ये देखो भाई वाह यार, अभी सुबह का मॉर्निंग का 7-8-9 बजे आया और अब जा रहा हूँ। ये भी सबके बाद देख लो, भाई, देख काम करने के बाद देख लो। बहुत मस्त इंसान है देखने में एकदम, क्या बता आप जो बता दीजिए वही हम है। क्या बताएं, चलो चलते हैं घर। आज अभी तो आ गया हूँ घर अपने, ये गुरुजी भाई जो हैं ये देख रहे हैं पिक्चर, और आज आपको दिखाते हैं एक बंदे से मिलाने के लिए, आज आपको बताएंगे मजबूरी किसे कहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर है, कौन नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा, हैं क्या नाम है ये नाम, नाम क्या है, नाम क्या है, मजबूरी किसे कहते हैं दिखा रहे, नाम क्या है तुम्हारा, भूल गए, अरे डायलॉग बताना है, अरे हाँ इनका बंद क्या हो, मजबूरी किसे कहते बताओ, मजबूरी किसे, अरे यार बताओगे बताओ मजबूरी किसे कहते हैं, अरे मजबूरी यार ये भांग का 2 रुपए का खर्चा, 2 रुपए का खर्चा भांग, देखिए 2 रुपए की है चीज, 2 रुपए में अंतर देखिए आप, क्या मजबूरी किसे कहते हैं, मजबूरी किसे कहते हैं, नहीं मानेगा ये, देखो तो देख लो नशा नशा, देख 2 रुपए की ये भी हतरा देख लो भाई, ललित है ये, ललित है आपका, अरे नहीं भैया हम कहां, हंस क्यों रहे हो, लाओ लाओ, क्या मजबूरी किसे कहते हैं भाई, ये कल से वो क्या क्या करने जा रहा है, क्या करने, अरे कुछ नहीं वो ड्यूटी कर पे यार शॉप पे है, कल से ये करने जा रहा है, मजबूरी किसे कहते हैं, दाल खत्म हो गई घर में, दाल खत्म हो गई है, अब ये करने जा रहा है, ये उठाने जा रहा है, ईंटे उठाएगा, ईंटे उठाएगी बाबा, तुम्हारा ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं जो ये वीडियो देखता ना हो, साइन तुम्हारे इसके सारे रिश्तेदार ये वीडियो देखते हैं भाई, बड़ा दुख हो गया, हां यार सबको पता चल गया कि मजदूरी करने जा रहा है, 5 दिन की बात करके आया है, 1500 रुपए काम करने जा रहा है, अरे कर आए, चोटी बांधे जा रहे हैं, करके आए आज, चलो ठीक, फाइनली घर आ गया हूँ और काफी ज्यादा इतना ज्यादा थक गया हूँ कि यार अभी कल मैच के हाईलाइट देख रहा हूँ फिर से, क्या यार मैच यादगार मैच बन गया, 2 बार देख रहा हूँ, 2 बार और देखूंगा अभी, 1-2-3 बार रात भर में और देखूंगा, 12 बज गया है, कल कहीं जाना नहीं है तो कल पूरी रात भर आज सोऊंगा, सुबह तक कम से कम 11-12 बजे तक तो पक्का ही सोऊंगा, अभी सीधे कल मिलते हैं क्योंकि व्लॉग अभी कल आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ दिखानी है, तो सीधे कल मिलते हैं। मॉर्निंग हो गई है, मैं अभी उठा हूँ बिल्कुल 5 मिनट पहले, मोबाइल चलाता हूँ हर इंसान की आदत होती है, अभी जस्ट उठा हूँ, टाइम हुआ है 1:30 बजा है, 1:30 बजे उठा हूँ, सोच सकते हो आप लोग कितना सोया हूँ मैं, रात में 11-12 बजे सो गया था, अभी 1:30 बजे, तो 13-13.5 घंटे की नींद लेकर उठा हूँ, क्यों 13 घंटे की नींद ली है, क्योंकि यार आप लोग जानते हो 3 दिन से कंटिन्यू में काम जा रहा था, ठीक है, एक सेंटर जा रहा था, ठीक है, उसकी वजह से रात में तो लेट हो ही जाता है, 12-1 बज जाता है, सुबह 5-6 बजे उठ जाओ, इस वजह से अभी उठाऊँ, पूरी नींद एक ही दिन में पूरी कर ली, ये बाल भी नहीं सही है देखो, ठीक है, और अभी जाना है मुझे बाल कटवाने, ये बाल कटवाने आज खूनी अरबाज की दुकान पे नहीं जाएंगे, आज एक दूसरे दोस्त की दुकान पे जाएंगे, हसन नाम है उसका, अभी आपको दिखाएंगे, वो तो बहुत ही बढ़िया काटता है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे वो बाल कैसे काटता, बहुत सस्ता, पैसा ही नहीं लेता बिल्कुल, ना के बराबर पैसा लेता, लेकिन भाई उसके बाल कटवाया, भाई छोटा भाई कटवा के आया है, इतने बढ़िया कटे हैं उसने बाल, कटे हैं तो दिल आ गया, अब एक बार उसकी दुकान पे भी जाऊंगा, देखता हूँ कैसा क्या माहौल है। देख लो भाई फ्रॉड का शिकार हो गए, हमारे एक मित्र हैं, ठीक है, उनको फोटो इतनी तगड़ी दिखा दी गई कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, और ये देखो COD था 4500 रुपये का, जूता देखे 4500 के बड़े धांसू, फोटो उसमें इतनी धांसू दिखा दिए, और अंदर क्या निकला है ये देखिए आप, इनकी क्वालिटी, अंदर ये जूता भेज दिए, बोरी भी है। अंदर और दिखाओ, अंदर क्या है? भी है भाई, अरे राम इसमें मोबाइल, अरे 4500 का देख लो पहले, पैकिंग भी आप देखिए जरा, और कहीं उसकी फोटो हम दिखा दें, मिठाई भेज रहे हैं, और उसकी फोटो अगर दिखा दें जो इसमें वो था, चलो फ्रॉड का शिकार है, अमेजोन उस पर मंगवाने ऑनलाइन फेसबुक पे देख देख के मंगवाते, यही होगा ही, कोई बात नहीं, RIP फॉर यू। अभी घर जा रहा हूँ, यहाँ आया था मार्केट में चप्पल लेने, एक्चुअली पापा की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, वो गिर गए हैं तो उनके सिर में चोट लग गई है, काफ़ी ज़्यादा खून निकला, टांके वगैरह लगे, इसी वजह से फोटो नहीं बनवा पाए, और बाल वगैरह भी नहीं कटवा पाऊँगा अब तो, ठीक है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी आपको घर चल के दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा चोट लगी है।
आप लोगों ने देखा होगा यार कितनी ज्यादा चोट लगी, चोट इतनी ज्यादा थी, इतनी डेंजर थी यार, देख के बहुत ज्यादा मुझे भी डर लग गया था एक टाइम पे। उस टाइम जब पापा के खून निकल रहा था तब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी मैं आया हूँ, उसके बाद आपको दिखाया, अभी मैं आया हूँ इस SV कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, यहाँ पे भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। यहाँ पे मैं एक लाया हूँ PD में एक सॉफ्टवेयर डलवाना है, ये PD में, ठीक है, इसमें एक सॉफ्टवेयर डलवाना है क्योंकि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एग्जाम वाले जो सॉफ्टवेयर था मेरे से करप्ट हो गया, पता नहीं क्या हो गया, तो यहाँ से लेना है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अभी सिस्टम तो है नहीं, देर से आवाज़ लगा रहे थे, आखिरी में देखा, बड़ी देर से आवाज़ लगा, आखिरी में देखा यहाँ पे ताला पड़ा है, काम मतलब नहीं हो पाएगा, चलो कल आते हैं इसके लिए। पापा की तबीयत सही है पर टांके वगैरह सिर में लगे हैं, ये लगभग इतना बड़ा छेद हो गया था पूरा साइड से, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे बाल काटे हैं और काफ़ी ज़्यादा, मैंने पहली बार देखा इतना ब्लड मेरे हाथ में, पूरा ब्लड, इतना डर गया था मैं, मैंने उठाया देखा ब्लड ही ब्लड, बहुत ज़्यादा। अभी जा रहा हूँ पापा का एक्सरे करवाने क्योंकि गिरे थे तो यहाँ गर्दन में भी चोट लग गई है अंदर से, तो एक्सरे करवाने के बाद जो रिपोर्ट आती है आप लोगों से थोड़ा सा ऊपर वाले से कहना कि जल्दी ठीक हो जाए। आज के साथ इसी वीडियो के भी बंद करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, भारत माता की जय।